आपको पुनीत सुपरस्टार को देख के जितना अजीब लगता है ना, उतना ही अजीब आपको उन लोगों के बारे में लगेगा जो लोग मोमोज खाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के कई मेजर एरियाज में मोमोज और दूसरे फास्ट फूड के सैंपल कलेक्ट किए गए और ये स्टडी कंडक्ट की थी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग एंड न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ने। उन्होंने पाया कि मोमोज के अंदर सड़ी हुई सब्जी, कुत्ते का मीट और फीकल मैटर, मतलब फीकल मैटर समझते हो ना, और ये सब मिला कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स में। और इसके साथ मोमोज में कई सारे हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं। आपको सिर्फ एक केमिकल के बारे में बता दूं जो मोमोज मैदा को व्हाइट कलर देने के लिए डाला जाता है, उसका नाम है एलोक्सन। आपको बता दूं ये एलोक्सन इंडिया में बैन है। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर बकायदा एलोक्सन के ऊपर PIL फाइल की गई थी। अब ये एलोक्सन करता क्या है? तो एलोक्सन जब आप खाते हैं तो आपके पेनक्रियाज में जो इंसुलिन होता है उसको बंद कर देता है। अब इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट है, जो लोग डायबिटिक होते हैं वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। आपकी बॉडी में इंसुलिन बंद हो जाएगा तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एक मोमोज बेचने वाले व्यक्ति ने खुद ये बताया कि टमाटर की जो चटनी है वो प्रॉपर सड़े हुए टमाटर से ही बनती है। ये देखिए, ईमानदारी बात बताइएगा जी, सड़ा गला नहीं डालेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो वही चटनी आप बनाओ, आप अच्छा टमाटर यूज करोगे, अच्छा नमक डालोगे, अच्छे तरीके से बनाओगे, टेस्ट नहीं आएगा। टमाटर मंडी में से बोल आते हैं जो 10 रुपए की 3 किलो मिलती है। एक गुजारिश है कि जो भी आपकी फेवरेट डिशेज है ऐसी घर में बना लें, घर में खा लें, बाहर अवॉइड करें और वीडियो सबको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।